मैं घनश्याम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस विद घनश्याम में स्वागत करता हूँ। साथियों, कल हमने देखा था कि हमारे डाइट क्लास चैनल की लास्ट चार्ट में देखा था प्रोटीन के स्रोत कहाँ से हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलता है। आज हम देखेंगे कि प्रोटीन लगातार होता है और उसको कैसे हमने बे प्रोटीन वह है जो हम पाउडर ग्रुप में लेते हैं और इसको हमें वर्कआउट के बाद में लेना है और जब भी हम फ्लेवर वाला प्रोटीन जब हम देते हैं हमें इतना ऐसा नहीं करता है और विदाउट फ्लेवर क्या रखा जाता है। फ्लेवर वाले में क्या है, हमारी शुगर आ जाती है तो शुगर हमारी बॉडी को बच्चे नुकसान पहुंचाती है तो विदाउट फ्लेवर ही जाना है। रहता है हमारा मामला है कैसे प्रोटीन ये भी है प्रोटीन में देते हैं तो पाउडर ग्रुप में आता है ये भी इसको भी लेना है। अगला आता है हमारा थर्ड नंबर है सोया प्रोटीन में। सोया प्रोटीन इसमें भी हमारा प्रोटीन होता है, इसमें फीमेल हार्मोन होते हैं जो कि महिलाओं के लिए ज्यादा फायदा करते हैं और इसमें ये प्रोटीन लेने से मेल हार्मोन नष्ट होते हैं, इसलिए हमें पुरुषों को जो है सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो है पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि प्रोटीन हमें किस प्रकार से लेना है और इसके साथ में हमें क्या क्या लेना है। देखें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन इसमें हमें लेना है, वे प्रोटीन लेना है साथ में BCA का मतलब है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, इसमें आते हैं हमारे जेलाइन आ जाता है, ल्यूसीन और आइसोलेसिन। इसका मतलब है सप्लीमेंट लेते समय इनको देखना भी जरूरी है, यह सेंट्रल थकान को दूर करता है। इसकी शरीर को 7 से 10 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। सेंट्रल थकान से मतलब है कि हमारी जो दिमागी थकान रहती है, जो आलस आती है, थक जाना क्या रहा है, काम नहीं करना है, हमने ज्यादा काम कर दिया, जो हमारी दिमागी थकान रहती है उसको यह दूर करता है। अब जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन हमेशा पोस्ट वर्कआउट लेना है, हमें प्रोटीन वर्कआउट के बाद में लेना है, पहले लेने में कोई फायदा नहीं है, प्रोटीन हमेशा बाद में। अब शरीर में सब कुछ जो है प्रोटीन से बनता है। अब देखें कुछ ऐसे प्रोटीन है, प्रोटीन से शरीर को अमीनो हमें मिलते हैं, अब कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, कुछ हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। इसमें देखेंगे हम एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती है। अब इसमें जो बाहर से लेने वाले हैं वो है स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, एथोनाइन है। इस प्रकार से हम ये जो है ये हमने जो है अमीनो एसिड जो है बाहर से लेते हैं और जो हमारे शरीर खुद बना देता है उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें आ जाएगा हमारा एलाइन आ जाएगा, एल्बेनाइन आ जाएगा, एस्पेरिक एसिड आ जाएगा, स्टार्निन आ जाएगा। इस प्रकार से हमें लेते हैं कि हमें बताना चाहिए हम कौन सा हम ले रहे हैं और कौन सा हमें हमारी बॉडी बना लेती है और कौन सा अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है। अब देखेंगे एक रहता हमारा ग्लूटामिक एसिड रहता है जो हमें पर डे 7.9 ग्राम चाहिए। जब भी हम हिट वर्कआउट करते हैं और करते समय और शरीर 1 से 2 ग्राम ये बना लेता है, हम हिट वर्कआउट जब भी करते हैं तो शरीर इसको जो ग्लूटामिक एसिड है हमें चाहिए 7.9 ग्राम और 1 से 2 ग्राम हमारा शरीर बना लेता है। यह मसल्स को रिपेयर करता है और पेरिफेरल या की थकान को दूर करता है। सप्लीमेंट लेते समय इसको देख कर लिया जाए। आगे देखिए हम इसमें हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लेने के तरीका है या इसमें कौन कौन से मिलते हैं तो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। यह स्वाद में मीठे होते हैं, यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक देखें अपन स्टार्च, इसमें हो जाता हमारा आ जाएगा स्टार्च में गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज और चावल, दाल तथा जड़ों वाली सब्जियां। देखेंगे साथियों अब अगला हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। यह स्वाद में मीठा होता है, यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है, हम देखेंगे नंबर एक में स्टार्च के स्रोत हैं गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और मोटे अनाज। अगला देखेंगे चीनी, शुगर के स्रोत हैं जो है केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुआरा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर आदि, जो एक शक्तिशाली एवं शरीर के लिए लाभदायक होते हैं परंतु कुछ हानिकारक बीमारियों को भी जन्म देते हैं। ऐसा देखेंगे जिनमें प्रमुख है अंजीर, मधु
उमेर, अतीसार, वो आदि हैं।